हाय एवरीवन, अंजलीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बालूशाही की रेसिपी, तो आइए शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप मैदा। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा और मैदे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं डालूंगी इसमें घी, 4 बड़ा चम्मच घी डाला है मैंने इसमें। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी दही, ठंडा दही डालें इसमें। बालूशाही का जो डो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर ठंडा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इसमें ठंडा दही डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है हमें, खस्ता कचौरी का जो डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, डो तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए, तब तक हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 कटोरी चीनी में 1/2 कटोरी पानी डाला है मैंने। अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी भी नहीं चाहिए हमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी कुटी हुई 2 हरी इलायची। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, बालूशाही का डो सेट हो चुका है। अब हम इसमें से एक छोटा सा लोई लेंगे, साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। इसे हम हल्के हाथों से गोल करेंगे और बीच में इस तरह से इसे दबा देंगे। ये देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा लोई लिया है मैंने, इसे हम हल्के हाथों से गोल करेंगे और बीच से अंगूठे से इस तरह से इसे दबा देंगे। इसी तरह से हमें सारे बालूशाही को रेडी कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हम इसे बना लेंगे। घी गरम करने के लिए रख दिया था मैंने। हल्के गरम घी में ही हमें बालूशाही को डालना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, एकदम धीमी आंच पे हमें इसे बनाना है। तो ज़्यादा गरम घी में इसे ना डालें, हल्के गरम घी में डालें और गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखें। धीरे धीरे इसे फ्राई होने दें। ये देखिए, ये हल्का होकर कैसे ऊपर आ गया है। बेकिंग सोडा और दही के कारण ये हल्का होकर ऊपर आ गया है। काफ़ी फ्लफी और हल्का बनता है ये। ये देखिए, इसका टेक्सचर आपको टूटा टूटा हुआ सा जैसा दिख रहा होगा, पर ये टूटा नहीं है, इसका टेक्सचर ऐसा ही चाहिए हमें। इसे हम पलट देंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, काफ़ी पेशेंस रख के हमें इसे फ्राई करना होता है। उसी तरह से धीमे आंच पे हम दूसरे साइड से भी इसे फ्राई करेंगे। ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे। एक बार फिर से हम इसे एक एक करके पलट देंगे। ये देखिए, मैंने इसे एक एक करके पलट दिया है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अभी हम और फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर धीरे धीरे इसी तरह से फ्राई करना है हमें।
ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बालूशाही को निकालने के बाद हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो थोड़े ठंडे बालूशाही को ही हल्के गरम चाशनी में डालना है। ये देखिए एक एक करके मैंने सारे बालूशाही को निकाल लिया है, तो हम इसे अब थोड़ा ठंडा कर लेंगे और हल्के गरम चाशनी में हम इसे डुबो देंगे। देखिए बालूशाही को मैंने चाशनी में डाल दिया है। ये देखिए इसी तरह से हम बालूशाही को चाशनी में डाल देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। ये देखिए सॉफ्ट और जूसी बालूशाही बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा रेसिपी आपको कैसा लगता है। ये देखिए मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट और जूसी है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।